रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा थानागाजी पहुंचे। यहां किशोरी डिगारिया थानागाजी सहित अनेक गांव में जनसंपर्क करके तिजारा क्षेत्र में गौवंश के साथ किए गए व्यभिचार के मामले को लेकर जनसंपर्क किया। इस मामले पर बताया कि राजस्थान सरकार इन आरोपियों को पनाह दे रही है, जिससे अल्पसंख्यक समाज के लोग अपराध कर रहे हैं। इस मौके पर पुरुषोत्तम संतोष सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधायक आहूजा राज्य सरकार पर जमकर बरसे और महाराणा प्रताप पर जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया, साथ ही बजट को ढकोसला बताया। जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? महाराणा प्रताप राष्ट्र के विश्व के ऐसे शूरवीर हुए कि बाकी राजाओं ने तो सरेंडर किया, बादशाह अकबर क्या गए, अकबर व्यापचारी था, अकबर मीना बाजार चला हुआ था, हमारी 27,000 हिंदू बहन बेटियों को अपने सिपाही सतियों से बुधवारों से शादी करवाई, खुद ने बेहतर लड़की देखी, बलात्कारी था, उसको महान कह करके और महाराणा प्रताप की अवमानना करना, उनका सम्मान गिराना और ये कहना महाराणा प्रताप को सत्ता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, वो धर्मयुद्ध लड़ रहे थे। इस देश में जो मुगल तुगलक और उज्बेक और जो खुद ऐबक बजनेवी और गोरी आए, उनसे मुकाबले के लिए या तो दिल्ली के राजा ने सबसे पहले या जयपुर में राजा दयाल सिंह ने या अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने, हमारे हिंदुओं की गलती है कि हम कई बार माफ़ कर देते हैं और माफ़ ही नहीं करते तो उनको सजा उनकी वो नहीं दे पाते। तो महाराणा प्रताप ने जो कल त्यागा, जो चित्तौड़ त्यागा, जितौड़ का किला पड़ा, दाल की रोटियाँ खाई, परिवार उसका दर दर भटका, ऐसे शूरवीर को, ऐसे क्रांतिकारी को, ऐसे वीर को, महाराजा सूरजमल हो या महाराणा प्रताप हो, इनका कोई मुकाबला राष्ट्रभक्त और सूर्य कर नहीं पाया। लेकिन दुर्भाग्य एक राष्ट्रद्रोही पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान डोटासरा साहब, मोहन सिंह डोटासरा, दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री भी हो रहे हैं, वो महाराणा प्रताप दुर्भाग्य गलत टिप्पणी करें ये शर्मनाक है और उनको क्या सजा मिलनी चाहिए इसके लिए आज मोबाइल में नहीं बोलूँगा, मोबाइल में बोलने से लोग सजग हो जाएंगे, कांग्रेस की भी और डॉक्टर साहब भी, लेकिन उनको सजा कैसी मिलेगी, वो सजा कैसे लोग दें जो पत्रकार बंधु को सब सुनेंगे। अंदर गो वंश के साथ अत्याचार किया गया, उस मामले में आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई की जा रही, जिले में अपराध बढ़ रहे हैं? अलवर जिले का और राजस्थान का विवाद, अलवर भरतपुर या मेवात हरियाणा, इस मेवात में 11 तरह के अपराध हैं, वो अपराध शायद और देश में किसी क्षेत्र में जिले में प्रांत में नहीं है। अवैध खनन होना, गोकशी होना, गो तस्करी होना, नकली नोट का बनना, सिंथेटिक दूध का होना, सिंथेटिक दूध का प्रारंभ मेवात से हुआ और इससे अलग हटकर के नकली नोटों का मैंने बता दिया, साइबर क्राइम 5 तरह का, ATM को लूटना, OLX पे लूटना, सोने की ईंटें और तंतुबाजी, असल की तरह लकड़ी असल की होने के पहले चल रहा था, अब इस तरह के जो अपराध हैं ये बाकी जगह नहीं है। मेवात में ये तथाकथित मुसलमान, बाकी नेता थोड़ा मुँह छुपा के बोलते, एक समुदाय, एक जाति, एक समाज, मैं सीधा बोलता हूँ मुसलमान, ये मुसलमान जो भटक करके कर्ण की तरह चले गए थे हमारे भाई, एक दिन माता तक माना पड़ेगा। जो अपराध यहाँ कर रहे हैं ये चाहते हैं हिंदू विवाद खाली कर दें, तो राजस्थान में अलवर या भरतपुर विवाद खाली नहीं करेंगे और बढ़ते हुए अपराधों, और अपराधों में एक किस्म और आ गई, भेड़ बकरियों के साथ भी व्यभिचार करते रहे लेकिन वो छुपा रहा, तिजारा में गौ माता के साथ इन्होंने दुष्कर्म किया, व्यभिचार किया, उसकी वीडियो बनाई है और उस वीडियो को बाकायदा वायरल किया है। तो राजस्थान सरकार ने, प्रशासन ने देखना है, मैं पुलिस प्रशासन को इतना दोषी नहीं ठहरा था, कांग्रेस का शासन है, श्रीमान अशोक गहलोत का शासन है, माननीय मुख्यमंत्री जी के कान, इन लोगों की, देशद्रोहियों की, राजद्रोहियों की, देश विरोधियों की इतनी हिम्मत पड़ गई है कि गाय माता का गोवंशी गौ तस्करी तो करते थे, इन गौ माता का व्यभिचार भी किया है, अब इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, पुलिस प्रशासन के और कोर्ट कचहरी के हाथ में चतरा है, पुलिस इसको ढंग से केस बनाए और प्रशासन इसको ढंग से केस बना करके कोर्ट में प्रशिक्षित बोले और कोर्ट इनको कम से कम फांसी की सजा, अब कोड़े वाला सिस्टम तो यहाँ है नहीं अलग देश वाला, पर कम से कम फांसी की सजा हो, यह अपराध बहुत जघन्य है, बहुत क्या कह रहे हैं, जितना बुराई की जाए कम है, और बुराई सबसे ज़्यादा करता हूँ मैं श्रीमान अशोक गहलोत साहब की, जिनके कारण इनको प्रेशर मिला है, तो
तुष्टिकरण नीति, खुशामद की नीति इन मुसलमानों की, तो दोषी सबसे बड़े दोषी श्रीमान अशोक गहलोत है। जय हिंद जय भारत। को लेकर क्या आपका क्या कहना है, सरकार ने भी बजट लागू किया है? देखिए बजट के बारे में आप पत्रकार हैं, बहुत होशियार हैं। जो दो साल पहले, डेढ़ साल पहले नगर पालिकाएँ घोषित की, उन नगर पालिकाओं का रामगढ़ का, मोहनगढ़ का या बासपुर का सब चुनाव नहीं होता। ये एक सच कदम है और धोखा है। जो उन्होंने तीन साल दो साल पहले PWD में पैसा घोषित किया, आप किसी PWD पता करिए या ऐसी बैठते हैं, उनमें से 10 और 20% काम भी नहीं हो पाया। अब इन्होंने 5 करोड़ से 10 करोड़ एक विधानसभा को देंगे। ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, मैं भी किशोरी हो गया हूँ, ये जो थानागाजी की सड़कें देख रहे हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के पांडे वसुंधरा जी की समिति है। इसलिए ठीक पाने से फायदा नहीं है। और एक उन्होंने किया है कि 2004 के कर्मचारी जिनका पेंशन बंद हो गया था, मैं पेंशन चालू करता हूँ, वो पेंशन कब मिलेगी? वो 2030 में। तो क्या लेना देना है? अरे कोई भी काम नगर पालिका के चुनाव हों या PWD करते हों या हमारे पेंशन का मैटर हो, ये सब पेंडिंग मैटर है। इस दिवालियों के पास कुछ है नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बजट में पैसा है नहीं। घोषणाएँ तो जितनी मर्जी करी हो, पुराने ज़माने में हमने सुना एक डपोर्ट संघ मिला हमारे डॉक्टर साहब जैसे किसी मित्र को, उन्होंने डपोर्ट संघ ने कहा कि कुछ मांगो, बोले दे दो 1,000, बोले दे दो 5,000, बोले 5,000 दो, बोले दो 10,000, अरे 10,000 दे दो, बोले 50,000 देना नहीं, सिर्फ डपोर्ट संघ की तरफ घोषणा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात के पारंगत हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, हालांकि आगे इसका चांस नहीं आएगा। अब तो इतना ही है, सत्ता में है कांग्रेस के लोग या अशोक गहलोत साहब या उनके पुत्र श्रीमान वैभव गहलोत, सत्ता है तो इसलिए लूट सके तो लूट, अधिकार बचता है जब प्राण जाएंगे, छूट भाग पाते जाएंगे।